मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में आपका चैप्टर 10 पढ़ेंगे। आपका चैप्टर 10 है और चैप्टर का नेम है एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, मतलब हमारा पर्यावरण और जो प्रदूषण होता है। इस चैप्टर में जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में, और वातावरण के साथ साथ जो हमारा जो वातावरण है वो कैसे प्रदूषित होता है और इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें हम आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में तो हमारा पर्यावरण वातावरण से संबंधित है। पॉल्यूशन आपका जो आता है, जो प्रदूषित करता है, गंदा करता है हमारे वातावरण को, उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। सबसे पहले हमारे एनवायरमेंट में जो हमारा एनवायरमेंट है वो चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जो हमारा वातावरण हमारे आसपास की सभी चीजें जो है वो हमारे पर्यावरण में शामिल होती है, और इनमें से जो हमारे पर्यावरण में शामिल है वो जीवित और मृत, मतलब क्या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सभी इसमें सम्मिलित रहते हैं। दोनों तरह के होते हैं जिनके जो इन, और हमारे पर्यावरण में चार तत्व शामिल है, उनमें से कौन कौन से देखते हैं। पहला है हाइड्रोस्फीयर, मतलब हमारा जैव मंडल। दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। फिर लिथोस्फीयर मींस हमारा स्थल मंडल, और बायोस्फीयर हमारा जैव मंडल, सॉरी जल मंडल है। हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, वायुमंडल स्थल मंडल, और बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल। ये हमारे क्या है कि ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण में चारों जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो इसमें शामिल है। सबसे पहले हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल जो हमारा है, बच्चों बताना चाहेंगे, ये हमारे चार तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। और जलमंडल जो होता है, जब हमारे पृथ्वी का जो 71% भाग जो है वो हमारे क्या है पानी से घिरा हुआ है, और इसमें सभी हमारे जल निकाय शामिल रहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर जैसे मैंने आपको बताया कि 71% इसमें जल सम्मिलित है, और जो ये चारा जो ये हिस्सा हमारा है जल मंडल का, ये क्या है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। साथ साथ बच्चों और बताना चाहेंगे कि जो हमारा जल मंडल है तो इसमें जो पानी रहता है, तो हमारे जल मंडल में बिना पानी के कोई भी चीज जो है वो संभव नहीं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है वो है, या आपके एनिमल्स है ना, जीव जंतु जो सभी क्या इसमें जल में ही आश्रित है, हम लोग उसी पे आश्रित है। फिर हमारा आता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हमारा क्या है वायुमंडल। वायुमंडल जो हमारा होता है वो हमारा क्या है कई प्रकार के गैसों से मिलकर के बना हुआ होता है। वायुमंडल हमारा जो चारों ओर से घिरा रहता है, जिसमें कि क्या रंगहीन और गंधहीन गैसें सम्मिलित रहती है, जिसमें वायु हमारे वायुमंडल का जो वायुमंडल हमारे वायु का मुख्य भाग होता है। इसमें जो गैसें कौन कौन सी आती है वायुमंडल में, जैसे कि आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है इसमें शामिल रहती है। और ये जो गैसें सभी तो इसमें शामिल रहती है, पर हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो जिससे क्या हमको जीवन मिलता है, हमें सांस लेने में जो है क्या प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे क्या ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हमारा आता है लिथोस्फीयर, मतलब हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल हमारे पृथ्वी के जो क्या है सबसे बाहरी ठोस परत होती है, जिसमें कि ये हमारा जो स्थलमंडल है वो बना हुआ था है। जो इनमें कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं, इसमें जैसे चट्टाने, हमारे मिट्टी है, इन सबसे मिलकर के ये बना हुआ था। और ये जो हमारे पृथ्वी की जो सबसे ऊपर पृष्ठ की जो ऊपरी परत होती है, इसके बाद जो आपका मेंटल कोर आता है, इसमें समाहित रहते हैं। साथ में आपको बताना चाहेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारा क्या होता है जैवमंडल। जैवमंडल बताना चाहेंगे बच्चे, हमारे जैवमंडल में जो तीनों तत्व है आपका हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और लिथोस्फीयर, और ये सारी चीजें जो है ना हमारे इसमें जैवमंडल में समाहित होती है, इन सभी का समावेश इसमें होता है, जो जहां पे क्या है जीवन मौजूद है। भाई हम सब इन्हीं सब चीजों में क्या हम लोग रहते हैं, इन सब चीजों से मिलकर, एलिमेंट जो हमारे तत्व है इनसे मिलकर बना हुआ है, तो इनमें सब लोग अपना जीवन यहाँ पर करते हैं, तो क्या इसमें जीवन मौजूद रहता है। जैवमंडल जो पृथ्वी के द्रव्यमान का बहुत ही कम हिस्सा होता है, जो हमारा जैवमंडल होता है पृथ्वी के सबसे कम द्रव्यमान का हिस्सा माना गया है। और जो जैवमंडल होता है इससे क्या होता है हमारा जो वातावरण है आसपास का, वो क्या
स्वस्थ वातावरण जो सभी जीवित प्राणियों के लिए जो है वो बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन आपका। पॉल्यूशन हमारा जो है इसमें बताना चाहेंगे बच्चों की जो पॉल्यूशन जो प्रदूषण होता है वो कई तरह का होता है, जिसमें कि हमने कुछ बताया हुआ है आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब इनके प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स जो हमारे वायु में हवा में जो वातावरण को हमारे प्रदूषित करता है, ये हो गया। फिर हमारा है वाटर पॉल्यूशन, मतलब क्या है जल प्रदूषण, जो हमारे क्या है जल को गंदा करता है। फिर हमारा नॉइज पॉल्यूशन जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर इसके बाद आता है सॉइल पॉल्यूशन, मतलब जो आपका मिट्टी जो उर्वरक क्षमताओं की कम हो जाती है वो हमारे सॉइल पॉल्यूशन की, मतलब मृदा आवर्तन जो आता है। और फिर इसमें आता है इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे वेस्ट टू सेव द एनवायरमेंट, कि हम किस तरह से जो हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो रहा है हम कैसे जो साफ सुथरा रख सकते हैं, इनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हमारे जो है वातावरण में क्या है, जैसे कि आपके यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, उनमें से उड़ने वाले धुएं हैं, आपके यहाँ जो उनका धुआं होता है, तो हमारे क्या वायु में प्रदूषित, वायु को हमारे क्या है वायु में फैल करके हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, जिससे क्या हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, कई सारी चीजें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जिसमें कि क्या है जो आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में क्या कूड़ा कचरा जला दिया जाता है, उसका उठता हुआ जो धुआं है वो कोयला है या कि आपका जो भी कई सारे जो नीप्स वगैरह हैं उनको जला दिया जाता है, तो इनसे क्या है ये सारा हमारे वायु में प्रदूषित करती है वायु को, जो हमारे क्या पूरे वातावरण में फैल जाती है। अब इसमें क्या है जो इनसे हमें प्रभावित जो वायु प्रदूषण से जो प्रभाव हमको पड़ता है, कौन कौन से जो प्रभावित करने वाले हैं, जिसमें कि क्या है कई सारे वायु प्रदूषण के केसेस हमारे सामने आए, जिसमें क्या हमारे स्किन एलर्जी, धुओं से क्या होता है कि जो हमारे वातावरण में फैल गया इससे क्या हमको स्किन एलर्जी हो जाती है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियां भी क्या है हो जाती है लोगों को। इसके बाद आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है क्या जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण जिसमें कि क्या जल हमारे लिए क्या जल ही जीवन है, जल का हम लोग उपयोग खाने पीने नहाने धोने मतलब हर एक चीज में हमारे जल का उपयोग होता है। अगर जल हमारा प्रदूषित होगा तो उससे क्या हम लोग भी इफेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें क्या है कि जो ये हमारे लिए और क्या है जो मतलब मानव तो प्रभावित होता है, इसके साथ साथ जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी प्रभावित होते हैं। इसमें कई तरह के जो है आपके पॉल्यूशन आते हैं, जिसमें क्या है कि जैसे कि वायु प्रदूषण सॉरी वाटर प्रदूषण होता है कैसे, जैसे कि आपके यहाँ कई सारे जानवर मर जाते हैं तो इन लोगों के क्या करते हैं ये लोग उठा करके नदी में फेंक दिए हैं तो गंगा जी में कहीं फेंक दे इस तरह कर देते हैं, जिससे क्या वो सड़ता है, सड़ने से वो सारा जल जो है वो गंदा हो जाता है। साथ साथ इसमें आपके घरों का जो नहाने धोने वाला पानी है तो वो सारा जो है क्या सारा जो है नदियों नालियों में चला जाता है और फिर वो वापस हमको फिर वही मिलता है आकर के। साथ साथ जो भी कचरा है पॉलीथीन बैग वगैरह हम सब लोग क्या फेंक देते हैं वो सारा एक जगह डैम्प लग जाता है जाकर के, इससे भी क्या है जो ये वाटर प्रदूषण होता है। तो इन सब चीजों से हमें क्या है काफी प्रभावित करते हैं ये हमारे लिए। अब इनको जो इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे हम लोग पानी वानी पीते हैं तो इससे क्या है हमें जंक फूड वगैरह या कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे कि क्या हम लोग बीमार हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन होता है जो ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण बच्चों आपने आजकल देखा है कि लोग शादी ब्याह या पार्टी है या कुछ और भी कई ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें क्या लाउड स्पीकर या साउंड वगैरह इतनी लाउडली आवाज में चला देते हैं, जिससे क्या क्या हमारे कानों को प्रभावित करते हैं और इसके साथ साथ जो और भी जीव जंतु हैं उनको भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप कई बड़े बड़े शहरों में देखेंगे ट्रैफिक एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है लोग हॉर्न के ऊपर हॉर्न बजाते रहते हैं, स्पीड कितनी लाउडली आवाज में हॉर्न बजता है, तो ये सब क्या है हम लोगों को इफेक्टेड करता है। तो इससे क्या होता है इससे हम लोगों को कान की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये हम लोगों को प्रभावित करते तो हम लोग सुनने उनने में जो है प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन आपका जो है मिट्टी वाला जो प्रदूषण, इसमें क्या है जो कि हमारे घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा है या और कई सारी जो हम लोग पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं अपने घरों में यूज करके, फिर क्या है वो एक जगह डैम बन जाता है जाकर के, फिर वो जब उस जगह पर पड़ता है तो क्या है
मिट्टी जो है वहाँ की जो उसका उर्वरक क्षमता है उसको कम कर देता है, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाती है, जिससे क्या है और जो हमारे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी कचरा है वो सारा जो है आकर के मिट्टी में मिलता है, और जिससे कि उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे कि क्या है जो ज्यादातर जो है खेती में प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो अच्छी जो है फसल भी नहीं हो पाती है, तो इन सब चीजों से क्या है प्रभावित होता है। साथ साथ इन सब चीजों को हमको बचाने के लिए और साथ साथ जो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, पेड़ पौधे काटने से क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो भी समाप्त हो जाती है। फिर है वेस्ट टू सेव द एनवायरनमेंट, हम किन रास्तों से जो है अपने इस एनवायरनमेंट को जो बचा सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इनमें से जैसे कि हम लोग जो अपने घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है उनको जो क्या है एक स्थान पर करके और उसको वेस्ट करें, इधर उधर ना फैलाए और जो गंदगी इधर उधर फैला देते हैं उन सब चीज़ों पर जो है हम लोग को ध्यान देना चाहिए। साथ साथ जो हम लोग जो नई नई बिल्डिंग्स बन रही है और सही कई सारी चीज़ें हो रही हैं तो उससे क्या है हम लोग पेड़ पौधे काट रहे थे, होटल्स वगैरह बनवाने से पेड़ पौधे काटने से क्या है कि जो हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों से उड़ता हुआ धुआं है तो क्या है हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग घर पे करेंगे, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्लास ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।